Hey everyone, hope you guys are doing well. So before starting the video today, please make sure that you have subscribed to my channel to get more amazing easy recipes, and don't forget to hit the bell icon to get daily notifications. तो हमारा आज का रेसिपी है कस्टर्ड हलवा बर्फी। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 कप मिल्क लिया है, फिर उसके बाद उसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ मैं, जिसको मैंने थोड़ा मिल्क से मिक्स करके रखा था। अब उसमें से 1/2 कप मिल्क साइड कर लीजिए ठंडा करने के लिए। अब उस मिल्क में 200 ग्राम छेना ऐड करके उसको बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना होगा। फ्लेम को मीडियम रख के ऐसे अच्छे से स्टर करना होगा। देन वी हैव टू ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। ऐड शुगर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। मैंने थोड़ा कम शुगर ऐड किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था ये बर्फी। थोड़ी देर पहले हमने जो मिल्क साइड किया था, अब उसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इस बॉइलिंग मिल्क के साथ मिक्स कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा और भी फ्लेवर लाने के लिए आई हैव एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनीला एसेंस। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वेनीला एसेंस का फ्लेवर। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मिल्क में मिक्स करके इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छे से स्टर करना होगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर के एडिंग से ही मिक्सचर बहुत ही डेंस हो जाता है। नाउ ग्रीस अ बोल विद घी और रिफाइंड ऑयल एंड ऐड द एंटायर मिक्सचर। इसको अब रूम टेम्परेचर में लाने के बाद 2 to 3 hours के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। फ्रिज से निकालने के बाद उसको ऐसे ही नाइफ से हम लोग कट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये बैठ गया है और टेक्सचर भी बहुत ही सॉफ्ट आया है इसका। बस ऐसे ही कट करके कुछ बादाम के टॉपिंग्स के साथ इसको अच्छे से सर्व करिए। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड इफ़ यू लव माई कंटेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।